खोल गया। डेली ड्यूटी करते हो आप लोग या शिफ्टिंग चलता है? नहीं, कंटिन्यू चलता है। ब्रेकफास्ट अपने स्टार्ट करते हैं। 2226 वंदे भारत एक्सप्रेस सफर कर रहे पुणे से मुंबई तक। ये मेरे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस है जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो बस अब सामने आऊँ, सेंसर ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पर वो खाने का इतना सारा सामान है ना, फ्रिज व्रिज वगैरह सब कुछ है। ये हॉट केस 1 है, हॉट केस 2 है, हॉट केस 3 है। तो खाना जो है यहाँ पर गर्म रखते हैं। और यहाँ पर देखिए खाना ऐसे करके सजाया जाता है। नीचे में बोतल जो है ना, ये पानी रखने के लिए फ्रिज है दरअसल। भैया ये पूरा सफर कितने घंटे का है स्टार्टिंग से लेकर? स्टार्टिंग से लेकर गाड़ी 6:05 पे छूटती है सोलापुर से, और बस 12:30 पे पहुँचती है, 12:40 पे मुंबई। दिल्ली चलता है ना? हाँ, कंटिन्यू। एक दिन रेस्ट है, गाड़ी जाएगी बुधवार को सोलापुर से, फिर बुध बृहस्पति को आएगी 4 बजे उधर से। मजा आता है? हाँ, बढ़िया एकदम बढ़िया। यही भारत का सफर एकदम। स्पेस देखिए भाई, दो बोगी के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, लेकिन आपका मेरा कोई काम नहीं है इधर। ये वैकेंट है, चलिए दिखाते हैं बाथरूम। तो बाथरूम का सीन है कुछ ऐसा, यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह, पानी, नल। ट्रेन करीब 10 मिनट लेट है और पहले आने के बाद ही पानी देकर रखे हैं इन लोगों ने। जैसे कि आपने देखा मेरा सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट है, बाहर एक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। यूएसबी पोर्ट भी है, और नॉर्मल जो सॉकेट वाला पोर्ट है वो भी है, और आईफोन का जो पोर्ट है ना, सी पोर्ट, वो भी है। आपका वो लेटेस्ट वर्जन का सब कुछ इधर मिलेगा। अपना जो शताब्दी में सीट यूज होता है ना, सेम वही सीट है। और आगे में यहाँ पर ट्रे है, यहाँ पर वो सामान रखने का जगह है, आपका पैर रखने का जगह है, स्पेस है। और ऊपर में आपका सामान रख सकते हो, जैसे कि हम लोग रखे हैं। पुश तो है, पुश करोगे तो ये सिर थोड़ा पीछे चला जाएगा। सो हमारे ब्रेकफास्ट यहाँ पर हाजिर है। एक चूरा दिया गया, जूस, एक दही, बटर, ये ब्रेड होगा, मसाला वाला टी वो पाउच में मिलता है, इसमें ना सर आपका दूध वूध सब कुछ डाला हुआ है, सिर्फ पानी में घोलो पी जाओ। और यहाँ पर एक केचप। तो चलिए और देखते हैं और इसमें क्या है। ऑमलेट, और इसमें एक मीठा सा आप सूजी का कुछ होगा। तो चलिए फटाफट जो है एक सैंडविच बनाते हैं, बना के ना आपको एक बाइट लेकर बताते हैं कि यहाँ का खाना शॉर्ट में कैसे खाया जाता है। पूरा का पूरा जो शताब्दी एक्सप्रेस है सेम टू सेम वही है, बस वंदे भारत स्पीड के मामले में थोड़ा आगे है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इंडिया में स्पीड के मामले में आप आगे क्या करोगे, क्योंकि वैसे भी अभी लेट चल रहा है। बस दिखा, मतलब माइंड मत करो, बस दिखाने के लिए ही है सर। आप इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन पे काम करो, जो मतलब ट्रेन का जो लाइन होता है पटरी, उसमें काम करो। तो नॉर्मल ट्रेन भी ना बहुत अच्छे से चलेगा, सिग्नल पे काम करो। फालतू का ये 800-900 रुपये देकर जर्नी करने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर आप पुणे से मुंबई तक सुपर फास्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 120 रुपये लगेगा मैक्स टू मैक्स, उसमें आप जर्नी करो, आराम में करो, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। स्पीड का भी मतलब एक ही टाइम पे पहुंचा देगा। तो चलो एक बाइट लेते हैं। भैया IRCTC का खाना ऑलवेज बेस्ट, बहुत मज़ेदार। बस तो बाबू को थोड़ा घुमाना है। चलो चलो चलो, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और हम लोगों को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि आगे है ना बाबा, चलो कैमरा दी दे वो तुम्हारे हम, चलो तो कि खोल गया, बहुत बढ़िया। तो अभी क्रॉस कर रहा है, सामने तो लोनावला है ना सर, खूबसूरत व्यू भी आपके यहाँ पर मिलेगा, वो देखिए व्यू। तो रिज्यूम कर लेता हूँ, सुहाना सफर अपने बेटे के साथ। गंदा है भाई, यहाँ पर देखो खाना,
तुमको बैठना है इधर, बैठना है, बैठो। तो मैडम आप बताओ आपका ये जर्नी कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब हम लोग इस ट्रेन पे भी चढ़े, इतना सुंदर ट्रेन। सेमी बुलेट ट्रेन और इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन यही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत। पहली बार अमित मुझे चढ़ाया इस ट्रेन में, मैं बहुत खुश हो गई। जितना एक्सपीरियंस था सारा का सारा हमने आपके साथ शेयर किए, बस इतना ही मेरा वीडियो था, इतना ही हम लोगों का सफर था। तो सामने आ रहे हैं मुंबई, उतर जाएंगे, तो बस क्या करना है सर, वीडियो यदि अच्छा लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मारो, शेयर करो, और ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो देखने के लिए ना आप इस पेज को फॉलो कर दो। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।